इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है एंड एंड मोटर को स्टार्ट करने में किस तरह से हेल्प करता है सॉफ्ट स्टार्टर एक टाइप का मोटर स्टार्टर होता है जो कि वोल्टेज रिडक्शन टेक्निक के थ्रू ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ मोटर वोल्टेज को रिड्यूस करता है एंड उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करता है इस टाइप का स्टार्टर ग्रेजुअली वोल्टेज को इंक्रीज करता है जिससे स्टार्टिंग टाइम ऑफ मोटर स्लोली एक्सलरेट होता है एंड स्मूथली स्पीड को गेन करता है सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल टीयर एंड जर्किंग ड्यू टू सडन सप्लाई ऑफ द फुल वोल्टेज इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क होता है वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड जो करंट है वो सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड रहता है सो द सप्लाई वोल्टेज कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पर सॉफ्ट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर के इस फेज के साथ टू एंटी पैरल थायरेस्टर्स कनेक्ट रहता था है मतलब थ्री फेज के लिए टोटल सिक्स थायरेस्टर्स का यहाँ पे यूज़ करा गया है जो कि बैक टू बैक कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है जो थायरेस्टर है वो सेपरेट लॉजिक सर्किट्री से कनेक्ट होता है जो कि एक पीआईडी कंट्रोलर हो सकता है और माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है रेक्टिफायर एसी को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है जिससे माइक्रो कंट्रोलर थायरेस्टर सर्किट को कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है इसमें कुछ प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स लगा हुआ रहता है लाइक सर्किट ब्रेकर फ्यूज़ मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर फॉर आइसोलेशन एंड ओवर करेंट रिले और प्रोटेक्शन फ्रॉम द ओवर करेंट इसमें बाईपास स्विचेज का भी यूज़ किया जाता है जब मोटर रेटेड स्पीड से रोटेट करने लगती है तो इसके हेल्प से मोटर को फुल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं सॉफ्ट so, स्टार्टर में वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जो मेन कंपोनेंट रहता है वह है थायरेस्टर जो कि एक कंट्रोल रेक्टिफायर होता है करंट को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए थायरेस्टर अलाउ करता है न गेट पल्स इज अप्लाइड दैट इज़ कोल्ड एज फायरिंग पल्स फायरिंग पल्स एंगल यह डिटरमाइन करता है कि थाई से कितना इनपुट वोल्टेज फ्लो करेगा सो so, थायरेस्टर के हेल्प से सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं बाय अप्लाइंग द फायरिंग पल्स ऑन द गेट टर्मिनल फायरिंग पल्स को जीरो डिग्री से वन एटी डिग्री तक वेरी करा सकते हैं फायरिंग पल्स के एंगल को जब डिक्रीज करेंगे तो थायरेस्टर का कंडक्शन पीरियड इंक्रीज होगा इस फेज में टू थायरेस्टर बैक टू बैक, बैक कनेक्ट रहता है जो कि बोथ डायरेक्शन में करेंट को कंट्रोल करता है आफ्टर इस हाफ साइकिल ऑफ द फायरिंग एंगल थायरेस्टर थ्री पेयर्स में कनेक्ट रहता है फॉर इच थ्री फेज जिसके हेल्प से मोटर के इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं टू स्टार्ट एंड स्टॉप द मोटर एंड थायरेस्टर का कंडक्शन फायरिंग एंगल पर डिपेंड रहता है जो कि लॉजिक सर्किटरी के हेल्प से कंट्रोल होता है लॉजिक सर्किटरी में पी आई कंट्रोलर और सिंपल माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामड रहता है जिससे पल्स जनरेट होता है माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्स जेनरेट होता है वो थाईरेस्टर में फेड होता है जब थ्री फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं तो जो कंट्रोलर है वो इच इंडिविजुअल थास्टर्स के लिए पल्स जनरेट करता है बेस्ड ऑन द जीरो क्रॉसिंग जिसको जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के हेल्प से डिटेक्ट करते हैं फर्स्ट फायरिंग पल्स एंगल अप्रोक्सीमेटली वन एटी डिग्री के नियर होता है जो कि वेरी लो कंडक्शन पीरियड होता है टू अलाउ मिनिमम वोल्टेज इन मोटर एंड स्लोली कंडक्शन पीरियड को इंक्रीज़ करते हैं जिससे थायरेस्टर वोल्टेज स्लोली इंक्रीज़ होता है जिससे मोटर का जो स्पीड है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एक बार जब मोटर फुल रेटेड स्पीड से रोटेट करने लगता है मतलब रेटेड स्पीड को अटेन कर लेता है तो थायरेस्टर कंप्लीटली बाईपास हो जाता है यूजिंग बाईपास कॉन्टेक्टर इन अंडर नॉर्मल ऑपरेशन सॉफ्ट स्टार्टर का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होता है सो so फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉफ्ट स्टार्टर है इसका मेन पर्पज़ होता है मोटर को सॉफ्ट एक्सलेसन एंड डी एक्सलेसन प्रोवाइड करना एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर जो कन्वेंशनल मोटर स्टार्टर होता है उसके कंपेरिजन में सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो स्मूथली मोटर को स्टार्ट करता है क्योंकि इसमें जो वोल्टेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है एंड ग्रेजुअली रेटेड स्पीड को अटेन करता है सॉफ्ट स्टार्टर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे मोटर के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस एंड जर्क जैसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है इस टाइप का स्टार्टर फुल्ली एडजस्टेबल एक्सीलरेशन एंड डी एक्सलेशन मोटर को प्रोवाइड करता है बाय वेरिंग द फायरिंग एंगल स्लोली सॉफ्ट स्टार्टर जो है वो करेंट को लिमिट करता है फॉर प्रिवेंटिंग द पावर सर्जेज जबकि कन्वेंशनल मोटर स्टार्टर्स जो आता है वो फुल वोल्टेज को अलाउ करता है एक्रॉस द मोटर जिससे ह्यूज हीस करेंट मोटर में फ्लो करती है जिसके कारण सर्किट में पावर सर्ज क्रिएट होता है इसलिए हम लोग जब सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे पावर सर्ज नहीं होगा सॉफ्ट स्टार्टर के हेल्प से हम लोग मोटर को मल्टीपल टाइम स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं एंड अगर इसके जगह पर कन्वेंशनल स्टार्टर्स का यूज़ अगर हम लोग करेंगे मल्टीपल मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए तो वहाँ पे स्टार्टर में ओवर हो जाएगा जबकि सॉफ्ट स्टार्टर के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है मल्टीपल टाइम आप मोटर को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ हम लोग जब करते हैं तो मोटर का जो ओवर है वो रिड्यूज होता है क्योंकि स्टार्टिंग में जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो वेरी स्मॉल करेंट को मोटर में फ्लो करने के लिए अलाउ करता है हैच प्रिवेंट्स द ओवर ऑफ द मोटर सॉफ्ट स्टार्टर के यूज़ करने से मोटर का जो लाइफ स्पेन है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू इट्स अस्मूथ ऑपरेशन सॉफ्ट स्टार्टर में लेस मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है इस टाइप के स्टार्टर का जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल रहता है अनलाइक अदर मोटर स्टार्टर्स इट हैज़ वेरी स्मॉल साइज भी के कंपेरिजन में सॉफ्ट स्टार्टर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी चीपर होता है अल्सो देर आर समिसवानजेस लाइक सॉफ्ट स्टार्टर में स्पीड रेगुलेशन नहीं होता है क्योंकि जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो ओनली इनपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है फ्रॉम ज़ीरो वोल्ट टू लाइन वोल्टेज विथ अ फिक्सड लाइन फ्रिक्वेंसी सॉफ्ट स्टार्टर में जो सेमी कंडक्टर स्विचेज इंस्टॉल रहता है वो अपना कुछ एनर्जी को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट सॉफ्ट स्टार्टर में इनपुट वोल्टेज को हम लोग रिड्यूस करा देते हैं जिसके कारण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क रिड्यूस हो जाता है सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ इंडस्ट्रीज एंड अप्रोप्रीट मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है जो कॉन्स्टेंट स्पीड से रोटेट करता है सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ फैंस में किया जाता है द ह्यूज फैंस यूज इन इंडस्ट्रीज रनस अ कॉन्स्टेंट स्पीड सो उस टाइप के फैंस को ऑपरेट करने के लिए हम लोग सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं इसका यूज़ कन्वेयर बेल्ट्स में किया जाता है कन्वेयर बेल्ट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट्स सो कन्वेयर बेल्ट को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर मोटर के साथ पुली एंड बेल्ट अटैच रहता है तो उस टाइप के मोटर को ऑपरेट कराने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो स्मूथ स्टार्टिंग ऑफर करता है इसका यूज़ लिक्विड पंप्स को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सके